प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है आपको एक बार और अजीत शर्मा एडिटर पब्लिकेशन चैनल पे। पिछले क्लास में बच्चों हम लोगों ने शेप और अरेंजमेंट के बारे में स्टडी कर चुके थे। फिर से एक बार और आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि पिछले क्लास में हम लोगों ने शेप और अरेंजमेंट के बारे में चर्चा कर चुके थे। बताए थे आप लोगों को कि नेचर में बहुत सारे ऐसे शेप होते हैं जिसका नामकरण पहले से कोई ना कोई फिक्स कर दिया होता है, उसी के अनुसार हम लोग क्या चलते हैं। और अरेंजमेंट के में और अरेंजमेंट के बारे में भी आप लोगों को बताए थे कि नेचर में जितने भी शेप है सभी का अरेंजमेंट कुछ ना मतलब कोई ना कोई ढंग से किया हुआ रहता है, यानी कोई ना कोई व्यवस्था से किया रहता है। उसी के बारे में थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। आज हम पढ़ते हैं मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स फ्रेंड्स, मैट्रिक्स पहले ही आप लोगों को बता दिया गया है, मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट जो चैप्टर है दोनों को मिला करके कुल आपको 13 मार्क्स का क्वेश्चन इससे अरेंज किया जाता है। ओनली फॉर सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग, बार बार बोलता हूँ कि ओनली फॉर सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग कुल मिला के 30 मार्क्स का क्वेश्चन अरेंज किया जाता है। बिहार बोर्ड का कोई गारंटी नहीं है कि कब किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन सेलेक्ट किया जा सकता है, यह बात आपको समझनी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं मैट्रिक्स को समझने से पहले कुछ नंबर और कुछ फंक्शन के बारे में समझ लेते हैं। कुछ नंबर और कुछ फंक्शन। नंबर के बारे में तो आप लोग बहुत ही बेखूबी से जानते होइएगा, जैसे 1, 2, 3 पर जो भी होता है जनसनन वो नंबर ही होता है। नंबर में भी दो टाइप्स के नंबर होते हैं फ्रेंड्स, नंबर में भी दो टाइप्स के नंबर होते हैं, एक रियल नंबर होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो रियल नंबर के बारे में हम लोग बचपने से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में क्लास 11th में जाके कॉम्प्लेक्स चैप्टर में पढ़ना पड़ता है। फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है फ्रेंड्स। कॉम्प्लेक्स नंबर एक इमेजिनरी नंबर होता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। जैसे कोई भी नंबर एक्स प्लस आई के फॉर्म में लिखा हो तो ये क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। हालांकि इसको जेड से सूचित किया जाता है, यानी जेड एक्स प्लस वाई आई को फॉर्म में जो लिखा हो इसको क्या किया जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। फ्रेंड्स इसके बारे में बेहतरीन तरीका से पढ़ेंगे 11th क्लास में, ठीक है। हालांकि हमें यहाँ पे ज़रूरत था समझना कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है तो बता दें। और कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जैसे आप 2i हुआ इसमें तो आप समझिएगा कॉम्प्लेक्स, जैसे 0 + 5i, ठीक है, और 5i दोनों सेम ही है, ऐसे 2 + 4i, आई को आयोटा बोला जाता है फ्रेंड्स कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत, ठीक है। तो फ्रेंड्स नंबर के बारे में हम लोग समझ चुके हैं कि नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के, एक रियल नंबर जिसके बारे में हम लोग बचपने से पढ़ते आ रहे हैं, और दूसरा होता है फ्रेंड्स कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके बारे में अभी हम जस्ट आप लोगों को बताए हैं। और नहीं तो अगर इससे और बेहतरीन तरीका से जानना है तो क्लास 11th का जब कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का पार्ट बनाएंगे तो उसमें हम बेहतरीन तरीका से इससे भी बेहतरीन तरीका से बताएंगे फ्रेंड्स। फंक्शन जो होता है वो कई टाइप्स के होते हैं, कॉन्स्टेंट फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, वेरिएबल फंक्शन होते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन होते हैं, यानी ओफोली टाइप्स के होते हैं। जैसे आप कोई बोलेगा फाइव क्या फंक्शन है, फाइव कौन सा फंक्शन है, कॉन्स्टेंट फंक्शन है। ऐसे आप एक्स प्लस वाई एक कैसा फंक्शन है, तो यह एल्जेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। ऐसे आप x² + 4x + ये सब कैसा फंक्शन है फ्रेंड्स, ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का नाम है क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन का मतलब है द्विघात फंक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। फंक्शन को प्रायः एफ एक्स से डिनोट किया जाता है, कोई जो ही नहीं x² + y कुछ भी हो, सॉरी एक्स ही होगा, क्योंकि इसके अंदर यानी इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जिस वेरिएबल रहे जो वेरिएबल रहेगा उसी वेरिएबल को यहाँ पर भी लिखा जाएगा। अगर मान लीजिए एफ वाई है तो यहाँ पर भी क्या लिखा जाएगा, y² + 4y। फ्रेंड्स इस बात को लगभग आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि नंबर दो टाइप्स के होते हैं और फंक्शन क्या होते हैं। जैसे फंक्शन में भी आप लिख सकते हैं साइन थीटा, जैसे एफ थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, आपकी मर्जी कुछ भी, कोस थीटा, अब ये सब क्या है फ्रेंड्स, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करते हैं।
इसलिए क्लास के अकॉर्डिंग मतलब पिछले क्लास के रिगार्डिंग ही मेरा ये क्लास है, और आप लोग को बता दिया गया था कि अरेंजमेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैट्रिक्स जो होता है इसके बारे में पहले हम डिफिनेशन समझते हैं, उसके बाद इसके हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अ ऑर्डर डर रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट अ ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नंबर्स, फ्रेंड्स नंबर्स में भी बता दिया आपको क्या हो सकता है, एक रियल नंबर होगा या कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का शॉर्ट फॉर्म मान लीजिएगा कॉम्प्लेक्स, या फंक्शन इज कॉल्ड मैट्रिक्स। फ्रेंड्स मैट्रिक्स क्या होता है कि कोई भी नंबर और फंक्शन का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। नंबर में भी दो नंबर, या तो नंबर कॉम्प्लेक्स होगा या तो रियल होगा, ठीक है। मैट्रिक्स कोई भी नंबर या कोई फंक्शन का एक अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट कहे तो किसी भी प्रकार का हो सकता है, इसके बारे में हम जस्ट क्लास जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि कोई भी नंबर और फंक्शन का अरेंजमेंट कैसे किया जाता है, इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स मैट्रिक्स कोई भी नंबर और फंक्शन का क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है, इसलिए इसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है। बात को समझिएगा फ्रेंड्स, मैट्रिक्स किसी भी नंबर या फंक्शन का क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है, इसलिए इसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, जिस नंबर या फंक्शन को आप अरेंज करते हैं ना मैट्रिक्स के अंदर, जिस नंबर या फंक्शन को आप अरेंज करते हैं उस नंबर और फंक्शन को एलिमेंट कहा जाता है, किसका, मैट्रिक्स का। यानी ऐसे बोले कि जिस नंबर या फंक्शन को आप अरेंज करते हैं ना मैट्रिक्स में, उस नंबर और फंक्शन को एलिमेंट कहा जाता है मैट्रिक्स का। तो नंबर या सॉरी नंबर्स होगा यहाँ पे, या नंबर्स या फंक्शंस, नंबर्स या फंक्शन एलिमेंट ऑफ नंबर्स ऑफ फंक्शन एलिमेंट्स आर नोन एज are known as of matrix। फ्रेंड्स जिस नंबर और फंक्शन को आप अरेंज करते हैं ना वह एलिमेंट कहलाता है, किसका, मैट्रिक्स का। चाहे वह नंबर रियल हो, चाहे कॉम्प्लेक्स हो, चाहे कोई भी फंक्शन हो, वह क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा, किसका, मैट्रिक्स का। फ्रेंड्स जैसे मान लेते हैं, थोड़ा और समझते हैं कि मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर से, मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है कौन से लेटर से, कैपिटल लेटर से, एंड इट्स एलिमेंट आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर कोरस्पॉन्डिंग टू उसके अकॉर्डिंग मतलब स्मॉल लेटर से सूचित किया जाता है। जैसे तो मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल्स लेटर्स, मैट्रिक्स इज डोनेटेड बाय कैपिटल्स लेटर्स एंड इट्स एलिमेंट आर डिनोटेड बाय एंड एलिमेंट आर डिनोटेड बाय कोरस्पॉन्डिंग टू corresponding to a small letter। फ्रेंड्स मैट्रिक्स को जो है कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है, और साथ ही साथ इसका एलिमेंट जो होता है जिस लेटर से आप सूचित करते हैं मैट्रिक्स को उसके अकॉर्डिंग
स्मॉल लेटर से सूचित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना तक आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। फ्रेंड्स ये बात तो हम समझ चुके हैं कि मैट्रिक्स को कैसे सूचित किया जाता है, कैपिटल लेटर से, एंड्स एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू स्मॉल लेटर। मैट्रिक्स को अच्छा लगने के लिए, मैट्रिक्स को अच्छा लगने के लिए स्मॉल ब्रैकेट, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मैट्रिक्स को अच्छा मतलब लुकिंग टू गुड, दिस ब्रैकेट या इसके अंदर एलिमेंट होगा, इसके अंदर एलिमेंट्स होगा, टू मेक गुड लुकिंग। फ्रेंड्स मैट्रिक्स को अच्छा लगने के लिए या तो आप बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट या जो ब्रैकेट मैंने आप लोगों के सामने लिखा है वैसे आप सूचित मतलब उसके अंदर आप एलिमेंट रख के उसको डिनोट कर सकते हैं, यानी कि दर्शा सकते हैं। मैं क्या है, मैं तो टू मेक गुड लुकिंग मतलब अच्छा लगने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स बार बार एक ही चीज़ को बोलना ठीक नहीं होगा कि मैट्रिक्स किसी भी नंबर और फंक्शन का क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है, इसलिए इसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है। इसलिए इसको अच्छा लगने के लिए जो ब्रैकेट आपको तीन सामने दिया गया है, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, यही होता है। ठीक है फ्रेंड्स ये सब डिफरेंट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई ए हम मैट्रिक्स लिए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम मान लेते हैं ए 1 1, अच्छा चलिए ना फ्रेंड इसे मान लेते हैं 5, इसके बारे में जस्ट आगे बताएंगे, 6 4 2 4, अपना मुंह से मान लेते हैं 6 9 7। फ्रेंड्स इसका ऑर्डर होता है 3 बाय 3, आखिर ऑर्डर 3 बाय 3 कैसे होता है इसके बारे में हम अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे, फिलहाल में आप ये समझिए। ऐसे एक कोई मैट्रिक्स हम मान लिए हैं लेट, एक कोई मैट्रिक्स मान लिए, इसके अंदर जो ये सारा जो आप नंबर देख रहे हैं वो क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एलिमेंट। फ्रेंड्स ये सभी क्या कहलाएगा, एलिमेंट, और ये जो है इसका ऑर्डर कहलाता है। ऑर्डर को बारे में हम बाद में डिफाइन करेंगे कि आखिर ऑर्डर होता क्या, और ये जो माने वो क्या है, मैट्रिक्स। फ्रेंड्स आप लोग जानते होइएगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के बारे में, आप लोग जानते होइएगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के बारे में, क्या कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होता क्या है। ठीक है फ्रेंड्स आप लोग जैसे पढ़ते हैं, पहले इसको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। फ्रेंड्स बात करते हैं तो जैसे मान लेते हैं ये कोई अगर लाइन है, इसको आप क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, और इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल बोलते हैं ना फ्रेंड्स। सेम उसी प्रकार इसके अंदर का जितना भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, वह सभी क्या कहलाते हैं, मैट्रिक्स का रो कहलाते हैं। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर जितना भी हॉरिजॉन्टल लाइन है वह सभी क्या कहलाते हैं, मैट्रिक्स का रो कहलाते हैं, और जितना भी वर्टिकल लाइन है वह सभी क्या कहलाते हैं, कॉलम कहलाते हैं, यानी कि बोले तो R1, R2 और R3, यानी row 1, row 2, row 3, इसको column 1, column 2, column 3। फ्रेंड्स फिर से एक बार बोल देता हूँ कि horizontal line are known as rows and vertical line are known as column, यानी horizontal line को क्या बोला जाएगा, row, और vertical line को column। फ्रेंड्स हम चलते हैं नेक्स्ट एरो की बात करें अगर तो लिखेंगे horizontal lines are known as rows and vertical
हॉरिजेंटल लाइंस आर नोन एज रोज एंड वर्टिकल लाइंस आर नोन एज कॉलम। फ्रेंड्स जैसे लेट कोई एक मैट्रिक्स मानते हैं ए इजकल टू 2 4 6 9 8 7 5 0 4 3 कैप विधि मतलब अच्छा लगने के लिए ऐसा किया जाता है। तो ए जो आपका हुआ क्या हुआ आर वन हुआ, ए आपका क्या हुआ आर टू हुआ और ये आपका क्या हुआ आर थ्री। यानी बोले तो फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो और इसको बोले तो फर्स्ट कॉलम, इसको बोले तो सेकेंड कॉलम और इसको बोले तो थर्ड कॉलम। फ्रेंड्स हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगा वो मैट्रिक्स के रो को बताएगा और वर्टिकल लाइन जो होगा वो मैट्रिक्स के कॉलम को बताएंगे। आप लोग वीडियो को पॉज करके इतना लिख लीजिए। फ्रेंड्स आज के वीडियो लेक्चर में मैंने मैट्रिक्स के बारे में बताया कि आखिर मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स के एलिमेंट के बारे में बताया कि मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या होता है, नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, कम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में भी कुछ ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ जानकारी दिया हूँ। अगर आपको अच्छा से पढ़ना है फंक्शन के बारे में तो हम क्लास 11th का जो पढ़ाएंगे उसमें, हालांकि 12th में भी पढ़ना है, हर एक चीज़ बेसिक से पढ़ाएंगे, जीरो लेवल से उठाएंगे। फ्रेंड्स आप मेरा हर एक वीडियो लेक्चर को देखिए और एक नोटबुक लेकर के उसको जैसे जैसे हम पढ़ाते हैं उसको नोट करते जाइए। फ्रेंड्स किसी भी प्रश्न में यानी किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा और मेरा दावा है कि यहाँ तक कि हम जीरो से उठाएंगे और हायर लेवल तक ले जाएंगे। फ्रेंड्स ये तो डिफिनेशन के अकॉर्डिंग चल रहे थे और हमें समझाना था कि आखिर मैट्रिक्स होता क्या है, इसके बारे में क्या था, ठीक है, और एलिमेंट क्या होता है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। फ्रेंड्स अगले वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स अगले वीडियो लेक्चर में ऑर्डर ऑफ फ्रेंड्स अगले वीडियो लेक्चर में यानी कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में बताऊंगा कि आखिर मैट्रिक्स का ऑर्डर होता क्या है। ठीक है फ्रेंड्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, बस आते आप लोग, ठीक है फ्रेंड्स बाय।